आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 25x36 का हाउस प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं इसका आउटर वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ 25 का, उसके बाद से 36 का। ये हो गया अपना 36 का और ये 25 का। अब मैं इसका पार्टीशन वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसका बेडरूम का वॉल है। ये भी अपना पार्टीशन वॉल ही है, इसमें आपका बाथरूम और किचन आएगा। और ये हो गया अपना, इसमें आपका बेडरूम आएगा और डाइनिंग कम ड्राइंग। और लास्ट वाले में आपका स्टेयर एंड पूजा रूम आएगा। ये हो गया अपना बेडरूम। और वॉल साइज जो अपने रखना है वो है 5x5 इंच का रखना है। इसमें आपको कॉलम साइज रखना है 10x12 इंच का, एंड जिसका कॉलम में आपको 4x16mm का डालना है जिससे आपका कॉलम मजबूत रहे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जब मैं इसका कलर करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आपका पूरा एरिया। ये हो गया हमारा पार्टीशन वॉल और ये है अपना स्टेयर जिसका डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप चाहें तो इसके नीचे एक बाथ कम लेटरिन बनवा सकते हैं, इसके नीचे काफ़ी जगह बच रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक सर्कुलर स्टेयर, इसके जगह पे एक सर्कुलर स्टेयर भी रख सकते हैं जिससे आपका घर का लुक और अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब मैं इसको कलर करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने इसका कलर कर दिया है, अब आपको रूम अच्छे से दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मेन गेट, ये हो गया अपना पूजा रूम जिसका साइज मैंने रखा है 6x6x5 इंच, जो वास्तु के हिसाब से मैंने रखा है इसका। ये हो गया आपका डाइनिंग कम ड्राइंग जिसका साइज मैंने रखा है 12x10 फीट, 12x10 फीट में ये आपका एक बेहतरीन डाइनिंग कम ड्राइंग है। ये हो गया अपना किचन जिसका साइज मैंने रखा है 8x6 फीट। ये हो गया अपना बेडरूम, इसका साइज मैंने रखा है 12x11 फीट 6 इंच। बढ़ते अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, इसका साइज मैंने रखा है 11x6x11x9 इंच। ये अपना बेडरूम नंबर टू। अब बढ़ते हैं बाथ एंड लेटरिन की तरफ। ये हो गया अपना बाथ कम लेटरिन जिसका साइज मैंने रखा है 8x4 इंच बाय 6 फीट। ओके, उसके बाद से अपना बेडरूम नंबर 3। इसका साइज मैंने रखा है
11 फीट 6 इंच 1 फीट। अब बढ़ते हैं लॉबी की तरफ। ये हो गया अपना लॉबी, इसका साइज़ मैंने रखा है 6 फीट 9 इंच। और ये हो गया अगला अपना स्टेयर। इतना आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा। इसका लैंडिंग 3 फीट 6 इंच वाइड एंड 10 फीट में आपका ये स्टेयर है। और इसका पूरा जो लैंडिंग है 6 फीट 5 इंच में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करो। मैं ऐसे पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पे डालते रहता हूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सिविल इंजीनियर वहाट ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ।